प्रयागराज के हृदय कही जाने वाले चौक बाजार में किसी भी तरह की पार्किंग न होने के कारण आज चौक क्षेत्र में व्यापारी व पुलिस के बीच नोकझोंक होती रहती है। इसी क्रम में आज दोपहर करीब 2 बजे घंटाघर चौकी प्रभारी राजकुमार त्रिवेदी हमराहियों के साथ गश्त कर रहे थे, तभी उन्होंने व्यापारी नेता मोहम्मद आरिफ से एक गाड़ी के बारे में पूछा, यह गाड़ी किसकी है। मोहम्मद आरिफ ने कहा कि मुझे नहीं पता। इतना सुनते ही हल्का के दरोगा राजकुमार त्रिवेदी ने मोहम्मद आरिफ को एक थप्पड़ मार दिया। इसकी सूचना होते ही प्रयागराज व्यापार मंडल के अध्यक्ष विजय अरोड़ा व प्रयाग व्यापार मंडल के महामंत्री सुहेल अहमद फौरन घंटाघर चौकी पहुंच गए, जहां पर कोतवाली प्रभारी के आने पर दरोगा द्वारा अपनी गलती मानने पर मामले को रफा दफा कर दिया गया। जबकि व्यापारी नेताओं ने कहा कि पुलिस कभी मास्क के नाम पर व कभी पार्किंग के नाम पर आम जनता को व्यापारियों को परेशान करती रहती है। व्यापारी नेताओं ने कहा कि आगे किसी भी तरह व्यापारियों का उत्पीड़न होगा तो वह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर पुलिस प्रशासन ने अपनी कार्यशैली पर सुधार ना किया तो सभी दुकानदार अपनी दुकान बंद करके इसका विरोध करेंगे। प्रयागराज से अजय पांडे की रिपोर्ट, प्राइम इटी न्यूज। वो दुकानदार है ऐसा कर रहा है, थोड़ा सा आप उसको समझा। मैं तो पूछ रहा हूं, इससे पहले सीटी साहब ने मुझसे ये बात कहा, सीओ साहब ने मुझसे कहा कि भाई ऐसा है वहाँ के दुकानदार है, हमने कहा आप रहने दिए, हम कहलवा देंगे। मैं पूछ लेता हूँ कि ये मोटरसाइकिल आपके दुकान के सामने लगी तो बहुत जरूर नहीं साहब, मैं ऐसा आपको आता है गाड़ी दुकान आगे लगाता, उससे कहते गाड़ी न लगाओ, कहता सड़क को मेरे बात की है क्या, लड़ाई हो जाती है उसमें। अच्छा, ये मना करने पे भी, सुनिए सर, मना करने पे भी लड़ाई हो जाती है कस्टमर से। अच्छा आप ये समझ लीजिए कि दिन भर मैं आपको बता रहा हूँ, आप विश्वास करिए सारा दिन लोग, अगर किसी को ऊपर कॉम्प्लेक्स में जाना है तो जिसकी दुकान के आगे जरा से भी जगह देखा अब गाड़ी वहाँ खड़ी कर दिया, ऊपर मना करेंगे तो लड़ने के लिए तैयार। मानना यही कहना है जी, जो अच्छा, जबरिया खड़ा कर देते हैं, एडवोकेट लिखा, हाईकोर्ट लिखा है, वो तो अपने बाप पूरा शहर समझ रहा है।